DIU, दीव, दीव जनरली नोन एज मिनी गोवा। इंडिया के वेस्टर्न एरिया गुजरात स्टेट के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जो यूनियन टेरिटरी भी है, दमन एंड दीव के नाम से। ये फेमस है दीव फोर्ट, गंगेश्वर टेम्पल, INS कुकरी, नायदा केव्स, नगाव, जलंधर, गोगला जैसे ब्यूटीफुल बीचेस एंड पोर्टुगीज हिस्ट्री विच इज स्टिल एविडेंट इन इट्स आर्किटेक्चरल कल्चर एंड समवट इन इट्स फूड। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस ब्यूटीफुल जगह पर हम लोग किस किस तरीके से पहुँच सकते हैं। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। बसेस के मामले में तो अहमदाबाद टू दीव इज द बेस्ट रूट, ऑल्दो बसेस दीव के लिए राजकोट, सोमनाथ, विरावल से भी जाती हैं, पर अहमदाबाद इज लाइक जंक्शन फॉर गुजरात फॉर डिफरेंट स्टेट्स। सारी फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस कम से कम अहमदाबाद में तो रुकती हैं, वहाँ से दीव के लिए डायरेक्ट बसेस रहती हैं अप्रॉक्स हर 2 से 4 घंटे में, AC, non-AC, स्लीपर, थिएटर एंड ऑल। एज फार एज ट्रेन आर कंसर्न, दीव के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, सो कोई तो पास का स्टेशन होगा। हाँ बिल्कुल, सोमनाथ विच इज अराउंड 84 किलोमीटर फ्रॉम दीव। देन सोमनाथ से दीव के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बसेस एंड टैक्सी अवेलेबल हैं। यदि बात करें बाय एयर आने के लिए तो देयर इज ओनली 1 फ्लाइट जो कि है मुंबई से, और यदि आपको दीव से जाना भी है तो केवल मुंबई तक ही फ्लाइट है। एंड लास्टली, यदि आप लोग फाइनेंशियली अच्छे हैं और शिप का मजा लेना चाहते हैं, देन दीव इज ऑल्सो हैविंग दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी। अगेन ये केवल मुंबई से ही है। अब हम आते हैं कि जब आप लोग दीव पहुंच जाएं तो हम दीव की डिफरेंट प्लेसेस को कैसे ट्रैवल करेंगे। तो यू हैव ओनली 3 ऑप्शंस। पहला कि आप कोई व्हीकल रेंट पे ले लें, सेकंड देयर इज अ प्राइवेट टैक्सी, एंड थर्ड देयर इज आल्सो अ गवर्नमेंट बस, जिसकी टाइमिंग्स मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, टिल देन टेक केयर।